स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एलिसा के बारे में। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, और इस इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक में हम स्पेसिफिक सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में इस टेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब इस टेस्ट में क्या होता है, एक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी को हम एक माइक्रो टाइटर वेल के साथ इमोबिलाइज कर देंगे, और हम जब एक सैंपल ऐड करते हैं जिसमें वो प्रोटीन या एंटीजन होता है, तो वो प्रोटीन या एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट होके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। और नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये एंजाइम है, एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम ऐड करेंगे। वो सेकेंडरी एंटीबॉडी इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ फॉर्म होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, और हम जब एक कलरलेस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, इस सबस्ट्रेट को ये एंजाइम कैटालाइज कर देगा और एक कलर्ड प्रोडक्ट बना देगा, और उस कलर इंटेंसिटी को हम कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए डिटरमाइन करेंगे। बेसिकली कैलोरीमीटर एलिसा के 3 टाइप्स हैं। पहला है डायरेक्ट एलिसा, जिसमें स्पेसिफिक एंटीजन को हम माइक्रो टाइटर वेल्स के साथ कोट कर देंगे, और हम उसमें ऐड करेंगे एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी दैट इज स्पेसिफिक टू दिस प्रोटीन। इस प्रोटीन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी को हम ऐड करेंगे, तब वो फॉर्म करेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सेकेंड टाइप का एलिसा है इनडायरेक्ट एलिसा, जिसमें पहले एंटीजन को इमोबिलाइज कर देंगे, और उसमें जब सैंपल ऐड करेंगे तो अगर उस सैंपल में एंटीबॉडी हो तो इस एंटीजन के साथ बाइंड होके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी जो इस प्राइमरी एंटीबॉडी के एपिटोप के स्पेसिफिक में होगा, और उसके साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। थर्ड और कॉमन टाइप एलिसा का है सैंडविच एलिसा, जिसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी को हम इमोबिलाइज करेंगे, और जब हम सैंपल ऐड करेंगे अगर उस सैंपल में एंटीजन है या स्पेसिफिक प्रोटीन है तो इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और बाद में हम ऐड करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी जो एंजाइम के साथ कोट हुआ रहता है, जो कि इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमारे पास 2 माइक्रो टाइटर वेल हैं, एंड दोनों को हमने स्पेसिफिक एंटीबॉडी से कोट कर दिया है। माइक्रो टाइटर वेल के वॉल को एंटीबॉडी से कोट कर दिया है। इसमें हम इसे कंट्रोल लेते हैं और इसे सैंपल लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे दोनों में स्पेसिफिक सैंपल। इस वाले वेल में हम प्रोटीन एक्स सैंपल को ऐड करेंगे, और कंट्रोल वाले वेल में हम एक सैंपल ऐड करेंगे जिसमें इस एंटीबॉडी के स्पेसिफिक कोई भी प्रोटीन या एंटीजन नहीं होगा। सो इस सैंपल वाले प्रोटीन एक्स एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, और इसमें कोई भी एंटीजन ना होने की वजह से ये एंटीबॉडी अनरिएक्टेड या फ्री रहेगा। जब वॉश कर देंगे तो दूसरे सारे मॉलिक्यूल्स वॉश्ड आउट हो जाएंगे,
अब हम ऐड करेंगे दोनों में एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो कि स्पेसिफिकली इस एंटीजन के साथ या प्रोटीन के साथ रिएक्ट होके कॉम्प्लेक्स बनाता है। और कंट्रोल में कोई भी प्रोटीन ना होने की वजह से ये सेकेंडरी एंटीबॉडी कंबाइन नहीं हो पाएगा। और जब हम वॉश करेंगे तो कंट्रोल से सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी वॉश आउट हो जाएगा। तो जब हम दोनों में कलरलेस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो सैंपल में जो एंजाइम है इस सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेगा, और जो कंट्रोल में एंजाइम ना होने की वजह से ये सबस्ट्रेट कैटालाइज नहीं हो पाएगा। एलिसा में मोस्ट कॉमन एंजाइम यूज़ करते हैं HRP, हॉर्स रेडिश परोक्सीडेज। इस एंजाइम से सबस्ट्रेट कैटालाइज होके कलर्ड प्रोडक्ट बनाएगा, जो कि हम सैंपल में देख सकते हैं। और कंट्रोल में एंजाइम ना होने की वजह से कोई भी कलर्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब सैंपल में जो कलर फॉर्म हुआ है उसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कैलोरीमीटर के ज़रिए रेक्टिफाई कर सकते हैं।